दीवाना, इसीलिए तूने ना जाना, तेरे लिए मैं काफी हूँ। देखो देखो ये जमाने से थक कर आते हो क्यों मासूम बन कर, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ। फिर आते क्यों यहाँ करने आँखों में हो बारिश, अब आए तो ठहरे जाओ ना। हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर अभी हम लोग निकल गए सिद्धिविनायक मंदिर जाने के लिए और हमारा प्लान अचानक से ही बनता है सब। तो अभी यहाँ से मैं और दैविक है और इसके बाद आगे मिलने वाला है भीम और उसका कोई एक दोस्त है। और फिर आज रोज़ की तरह मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, आज दैविक चला रहा है गाड़ी। बहुत दिनों के बाद कोई मिला गाड़ी चलाने वाला, नहीं तो हमेशा मुझे ही चलाना पड़ता है। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। तो चलो फिर हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए कॉलेज के बाहर, अभी थोड़ा सा ही दूर है कॉलेज का गेट आने वाला है। ये वो जगह जहाँ पे हम लोग हमेशा मेदू वड़ा खाते हैं और अभी भीम कॉलेज के गेट पे खड़ा है, उसको वहाँ से पिक करेंगे और फिर निकलेंगे। तो अभी हम लोग कॉलेज के गेट के यहाँ पे भीम का वेट कर रहे हैं। देखो आया आया आया, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कौन सा ब्लॉग डालेगा आज? सिद्धिविनायक। अरे अरे निकलते हम। और भाई आपका नाम? देवी भाई। देवी भाई है, सागर भाई है एंड भीम कुमार है। मेरे ब्लॉग पे नहीं मिलेगा, सागर ब्लॉग पे मिलेगा। तो देखना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो तो चलो फिर अभी भीम भी आ गया, अभी चलो निकलते हैं, फिर मिलते हैं सीधा सिद्धिविनायक। तो यहाँ पे बादल की कमी थी, हमारा दोस्त बादल, ये देखो उसका नाम लिख गया यहाँ पे। चलो बाय बाय बादल। तो चलो हम लोग पहुंच गए मंदिर के बाहर। तो हम लोग पहुंच गए मंदिर के बाहर और अभी भीम हमारे साथ अंदर नहीं आने वाले हैं, जरा उसका घर का प्रॉब्लम है। तो अभी मैं और दैविक अंदर जाएंगे, यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहाँ पे आस पास पार्किंग, पार्किंग दिखा नहीं है भाई, तो पीछे बैठ, पीछे बैठ, तो सो जा। तो चलो फिर मिलते आगे। तो यहाँ का पूरा साइड ही अलग है, ये पूरा मतलब बहुत अलग है थाने साइड से, तो मुंबई साइड है ना। इधर का आर्किटेक्ट देखो बहुत अच्छा है। तो आ गए देखो, यहाँ से एंट्रेंस है। अब भीड़ तो अच्छी खासी दिख रही है, देखते हैं अभी अंदर कैसे। तो ये देखो यहाँ पे चप्पल वगैरह निकालने के लिए फ्री काउंटर है, यहाँ पे चप्पल समेट नहीं फ्री है, फ्री फोटो सेवा यहाँ पे चप्पल देने का। और भीड़ देखो भाई कितना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अंदर फोन अलाउड नहीं है। तो चलो हम लोग आ गए अंदर, 20 के आगे तो फोन अलाउड नहीं रहेगा, जितना मिल रहा निकाल ले रहा हूँ। अभी हम लोग दर्शन करके आ गए बाहर, अंदर फोन अलाउड नहीं था पर चुपके चुपके बहुत सारे क्लिप्स लिए हम लोग ने। और फिर अंदर दो ऑप्शन था, एक पास से दर्शन के और एक दूर से। तो फिर दूर पास के इसके 100 रुपये था पर पर्सन, तो हम लोग ने पर दूर से किया फ्री वाला। और फिर अभी चलो निकलते, फिर जाते दादर बीच जाने वाले, हम कपड़े चेंज करेंगे और फिर जाएंगे दादर। तो चलो फिर अभी निकलते आगे। और अभी हम लोग सबसे पहले बहुत भूख लगी है, तो हम लोग खाएंगे शिवाजी पार्क के बाहर का सबसे बहुत फेमस वड़ा पाव, सचिन तेंदुलकर ने बोला था। अभी पता नहीं कहाँ है पर ढूंढना पड़ेगा, जाके देखते हैं अभी कहाँ है। और फिर वहाँ से खाएंगे, फिर जाएंगे दादर बीच। तो गाइस देखो आगे हम लोग, यही शिवाजी पार्क के बाहर का वड़ा पाव जिसको जिसके बारे में सचिन तेंदुलकर बोल रहा था। अभी यहाँ का टेस्ट करते और बताते कैसा है। क्या हो? खाएंगे ओड़ा पाव। अच्छा है क्या? गरम नहीं है क्या? बड़ा अच्छा है क्या? ले बाबू
मेन चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा है ना, इमली है तो फिर टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था। उसका मेन जो चटनी था वो बहुत अच्छा था, इमली की चटनी। हाँ, मैंने और दैविक ने दो दो खाया, भीम ने एक ही खाया। और अभी हम लोग ने थोड़ा स्नैक्स लिया, अभी खाएंगे। भीम का फोन वहाँ पे चार्ज करेंगे पीछे। क्या देखो पावर चार्ज करेंगे और फिर थोड़ा वेट करेंगे सन थोड़ा नीचे आने का, तो वीडियो फोटोज अच्छे आएंगे दादर बीच पे। तो चलो फिर अभी चार्जिंग तो यहाँ पे भी है क्या? चार्जिंग लगने के लिए यहाँ पे भी है। तो देखो दादर में ये बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे हर जगह पे चार्जिंग पोर्ट्स लगा दिए ऐसे बस स्टॉप के यहाँ पे। वो भले अभी भीम को चांस नहीं मिला, इधर तो ऑलरेडी लोग चार्ज कर रहे हैं फुल है। अभी थोड़ा रुकेंगे, इन लोग निकालेंगे तो फिर हम लोग भी चार्ज कर लेंगे भीम का फोन। तो चलो अभी भीम का फाइनली फोन लग चुका है, और आधा घंटा सिर्फ आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। अभी देखो सन इतना ऊपर है, ये पेड़ के लाइन तक तो आ जाएगा आधे घंटे में, फिर हम लोग आज हम कपज भी देखेंगे इधर। ये कह रहे थे मैं नहीं देखूंगा, किसी को समझा नहीं तो बोला क्या? कट कर दो। तो चलो गाइस आ गए दादर बीच। अभी यहाँ पे कार पार्क करके हम लोग ब्रिज नहीं बीच बोला बीच है, देखो सामने बांद्रा सीलिंग भी दिख रहा है। चलो अंदर जाते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरे बीच पे कचरा ही कचरा दिख रहा है। अब यहाँ पे आके क्या करे क्या मालूम, कुछ दिख रहा भी नहीं है ढंग का। पिछली बार आया था तभी अच्छा था, अभी देखो पूरा कचरा था, पूरा कचरा। अगली बार आप मैच पे आया था इधर, पानी भरा था। अच्छा अब देखो कितना खाली हो गया। चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले। तो चलो आज का घूम के हो गया और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करो। बाय बाय। लाइक भी।